Assalamualaikum everyone, how are you? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फाट है? रोजे कैसे जा रहे हैं? कैसे गुजर रहे हैं रमजान आपके? होपफुली अच्छे गुजर रहे होंगे. और कौन कौन मेरी तरह ईद का वेट कर रहा है? और आप कर रही हूँ ईद का वेट? मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही. आप लोग बताएं, आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे रोज डीएम में जो है ना मैसेज आए हुए होता है, आप ये अपने ईद के कलर का ड्रेस बता रहे हैं. सो गाइज, आज का हमारा व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमें जो है वो इफ्तार की दावत मिली है. पहली इफ्तार की दावत मिली है जो कि सिर्फ और सिर्फ मिली है टिकटॉक की तरफ से. हमें इनवाइट आया है तो हम आज जल्दी उठे हैं उधर जाने के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं जाने के लिए. लेकिन मैं इतनी कन्फ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. और आप ही लोग कुछ हेल्प कर दो कि क्या पहनूं. वैसे पहनूंगी तो मैं अपने ही पसंद का, बट ये है कि आप लोग देखेंगे तो फिर मुझे बता दें कमेंट में कि कौन सा पहनना चाहिए. वैसे गेस करें कि इन तीन ड्रेसेस जो मैंने निकाल के रखे हैं इसमें से मैं कौन सा पहनूंगी, तो गेस कर लो आप इन तीनों में से मैं कौन सा पहनूंगी. मुझे कुछ समझ नहीं आता. ये भी निकाला था, वो भी निकाला था, बट वो फिर मैंने छोड़ दिया उन दोनों को हटा के. बस ये तीन है, तीन में से ये शॉर्ट कुर्ती है बेसिकली, ठीक है ना. ये शॉर्ट कुर्ती है, ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप के है, अनारकली, ठीक है, अनारकली कह रही हूँ, एयरलाइन. और ये भी कुर्ती टाइप ही है. सो समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं पहनूँ. और मेरी वैनिटी टूर का व्लॉग भी अपकमिंग है, ये व्लॉग आए उसके बाद. तो ये व्लॉग आ जाएगा कल और इसके बाद जो है मैं आपको वैनिटी टूर का व्लॉग दे दूंगी. तो आज देखते हैं हम लोग जाके कि कौन कौन सारे लोग जो हैं वो टिकटॉक इफ्तार दावत में आए हुए हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, वरना बाद में आप लोग बोलेंगे आप ही आपने व्लॉग नहीं बनाया. और अभी बस मैं तैयार होती हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ तैयार हो. तो स्टे ट्यून्ड, तैयार होती हूँ फिर उसके बाद जाते हैं क्योंकि हमारे पास 6 बजे तक का टाइम है, मतलब हमें 6 बजे का इन्वाइट है. तो हमने तकरीबन भी 5:30 बजे घर से निकल जाना है ताकि हम ऑन टाइम पहुँच जाए. अगर हम लेट हुए तो हमारा रोज़ा जो है वो बेकार है, मतलब रास्ते में खुल जाएगा, हम इफ्तार में नहीं पहुंच सकेंगे. मतलब हमारा इफ्तार में जाना बेकार है, रोज़ा तो बेकार नहीं. तो तैयार होती हूँ, तैयार होने के बाद फिर आपके साथ दोबारा आती हूँ. गाइस, आई एम रेडी एंड हियर इज माय फाइनल लुक. सो फाइनली मैंने पिंक कलर का ड्रेस जो है वो पहन लिया. बेसिकली जो है लुक मेरा कुछ नहीं, ये है, ठीक है. सो ये हम लोग को अच्छा लगा होगा. और बहुत लेट हो चुके हैं एक्चुअली, 6:20 हो रहे हैं या पता नहीं 6:19 हो रहे हैं. बस मैंने गाड़ी मंगवाई है फटाफट से, गाड़ी है मैं फटाफट से पहुँची. 6 बजे का टाइम था और रूटा जो है वो 45 या 46 का खुल जाता है. सो मैं लेट हूँ, रास्ते में भी टाइम लगेगा. बस जल्दी से गाड़ी आई, मैं निकल रही हूँ. और उसके अलावा फिर वहाँ जा कर देखते हैं कि क्या सीन है. मेकअप मैंने कुछ ये ब्राउनिश सा किया है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, उसके ऊपर लाइट से पिंक और मरून सी, मरून कह रही हूँ, मैजेंटा कलर की लिपस्टिक लगाई है पिंक, क्योंकि वो थोड़ी सी इससे मैच हो रही थी, ठीक है. और ये मेरा छोटा सा क्यूट सा बैग है. और बाल मैंने जो है वो कर्ल्स कर लिए थे, मैंने पहले खोले थे कर्ल्स करके बट हुए नहीं. और गाड़ी मेरी नीचे आ चुकी है, मैं जा रही हूँ. तो फाइनली इफ्तारी आ गई है और हम टिकटॉक के इवेंट में पहुँच चुके हैं. और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्यों क्यों क्यों, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो 20 मिलियन फॉलोअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह से, पाकिस्तान के हाईएस्ट. नहीं अच्छा, दिखा भी वो खिला भी उनकी यार, ट्रीट बाकी है, तुमने मेरे को ट्रीट नहीं दी. नहीं मैं मीठा कम खाती हूँ. हाँ मीठा कम खाती हूँ. और अब हम करने वाले हैं अफ्तारी. क्या देख रहा है? अफ्तारी करेंगे, बाकी सब आ चुके हैं. आधे लोग बाहर हैं और आधे यहाँ पे बैठे हैं. और चीकू और समोसे आ रहे हैं. हेलो चीकू, कैसी हैं आप? अब तारी करी है. हाँ टिकटॉक ने बुला लिया, जो बात है टिकटॉक ने बुला लिया हमें. मैंने तो खा लिया, बस इतना ही खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता. माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत ज़्यादा मंगवाया. आपने खाना मंगवाया, मैंने इफ्तार मंगवाया जी. अस्सलाम वालेकुम, हमारी वेरी टैलेंटेड लड़की. अच्छा खा लो खा लो. ये बहुत बढ़िया सीन होता है जब कोई खा रहा होता है उसकी तरफ कैमरा घुमा दो, उसे खाया ही नहीं जाता बिल्कुल भी. और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या पी रही हैं आप? ग्रीन ग्रीन करेले का जूस. डाइट में
So guys, आज हमारे हैं TikTok स्टेज इवेंट में और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉप्स पड़े हुए हैं बहुत सारे और ये हमारे दूल्हा भाई जो है वो पिक्चर लेते हुए और उनकी पिक्चर लेनी है जी दी फोटोग्राफर शेजराज एक्सक्यूज मी हमारी भी ले लीजिएगा क्या किया है तुमने आते साथी हवा में बहुत ताकत है आज मैंने ऐसे पकड़ा वो ऐसे ही मैडम का बन रहे हैं क्लिप्स ऑन टिकटॉक ये क्या था अब लाइट थोड़ी कम आ रही होगी देखो क्या था ये क्या था वो मुझे नहीं पता राजित भाई अस्सलाम वालेकुम मुबारक हो खाना खाया वाला करता हूं। वो वाला क्या होता है वो वाला सात आज के ब्लॉग में वो वाला हो रहा है क्या लिखा है इसमें हिलाना बंद करो एडिक्टेड टू टिकटॉक क्या बात है ओके ओके क्या बात है मुंह में घुस जाओ तुम घुस जाओ मुंह में व्लॉग बनाना नहीं आता तुम्हें ना गंदे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह बड़ा नूर आया आपके ऊपर रमजानों का आप यहाँ तक आप ही बैठ रहे मैंने सुने आपके बराबर बराबर वाली हाँ आप मस्जिद में बैठेंगे मैं घर में बैठूंगा वाजिद ने कर दिया खुलासा हाँ। आज के बराबर में बैठेंगे वो भी बस अब ये नई न्यूज बन गई पाक से हाँ बराबर में एतकाफ में ठीक है वो पिक्चर्स हमें मिलेंगी जरूर फैशन चल रहा है हेलो दुआ प्यारी लग रही है आप क्यूट लग रही है अभी हम दोनों भी पिक्चर खिंचवाएंगे जगह इसने छोड़ी नहीं है जहाँ पर इसने शूट ना करवाया हो ये हर जगह शूट ऐसे करवा रहा है जैसे ना कोई मॉडल शूट हो रहा हो और ये सब जो है ना बस हम कब करवाएंगे शूट और बड़ी प्यारी लोकेशन है आई लव द लोकेशन यार मुझे ना अभी एक टास्क मिला है मुझे ये पूरा करना है ये देखो ये क्या है ये है हार्ट शेप पोज विद फेवरेट इन्फ्लुएंसर हर जगह चाहिए होती है शूट के लिए देखा कि ये बहुत प्यारा लग रहा है वैसे नो डाउट बहुत क्यूट लग रहा है ले और किसी ने नहीं किया किसकी तारीफ हुई है जी भी आपकी किसकी इवेंट ऑर्गेनाइज किया टिकटॉक वाले हाँ ये जो जुब्बा कहते हैं जो पीआर वाला है इतना सच नहीं मान रहा था और अभी अभी अपलोड करना है आप टैग देख लेना जी जी देख लेंगे हम कमेंट में जो भी कहना क्या कहना क्या कहना बस रहने दे आप पिछले व्लॉग में एक्सक्यूज मी पिछले व्लॉग में आप मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट कर रहे थे वो याद है आपको जीतेंगे जी हार गई हाँ हाँ जीते एक्सक्यूज मी हेलो रास्ते मैंने बताया था आपको सारी चीजें मैंने आपके आप देखें हाँ 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 हो ही ना जाए बस चलो मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है याद है मुझे याद है ना हाँ क्या याद एक मिनट क्या डेट क्या है क्यों बताऊँ नहीं याद देखो याद है मुझे मगर मैं बताऊंगी नहीं नहीं मैं नहीं बताऊँ नहीं मैं नहीं बता रही अप्रैल अप्रैल मुझे भी पता है अप्रैल मुझे भी पता है नहीं नहीं मैम मुझे याद है मुझे याद है
मेरे गिफ्ट के ऊपर जो है ना इन लोगों ने सबने ऐसे जो है ना धावा बोल दिया जिसकी कोई हद नहीं। मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। दे दो केबल इधर, इधर मेरी केबल दो। इसीलिए अच्छी चीजें तुम्हें हाथ में दी नहीं जाती था। जितनी अच्छी चीज है वो इसी के पास है वैसे। गेम शो का सर है। अच्छा बहन इसको वाह 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 खुद ही चलती है। ये लोग होते हैं जो पहली दफा मतलब कोई गिफ्ट देख के जो है ना पागल हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इससे बड़ी बड़ी लाइट है। ये हो चलो बेटा टाइम पूरा हो गया, जिसकी है उसको दे दो, ये आपको नहीं मिली है। अगर आई एम होम और घर पहुँचते पहुँचते जो है वो बड़ी बुरी हालत हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे बाल कैसे खुल चुके हैं। कर्ल्स तो टिकते ही हैं, मेरी शक्ल पर टिकते ही नहीं है कर्ल्स, कर्ल्स टिक ही नहीं सकते। सो घर हम लोग जी वापस आ गए हैं और बस अब कुछ करने को नहीं है, अब यही है कि मेकअप शेकअप उतारो, चेंज करो और क्या करो भी नहीं करो, बस व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग जो है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह कल परसों में आ जाएगा। और आई एम लुकिंग सो प्रेटी नाउ बिकॉज मिरर में मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। प्लीज़ मैंने यहाँ पर भी एक मिरर लगा लिया, आपको पता है इतना ग्लो आ रहा है ना मेरे चेहरे पे जिसकी कोई हद नहीं है, ऑफ माय गॉड। और आपकी बहन ने जैसे कि एक गिफ्ट जीता था मेरा, जो था वो टास्क वो था कि अपने किसी भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर के साथ हॉट शेप पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है आपने, तो वो मैंने टिकटॉक पे अपलोड कर दी है, आप लोग देख चुके होंगे अब तक, तो आप लोग ने देखी भी होगी। और सेकंड इसके बहुत सारे लोग नहीं थे, थोड़े बहुत लोग थे और सबको मैं जानती थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे मेरी बहुत अच्छी सी बातचीत थी। बाकी जो अपने थे वो तो अपने थे, आप लोगों ने देख लिया, अपने ही ज़्यादा हैं। होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।